आइए बात करते हैं। लिसन केयरफुली, साल के अंत तक 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन टिहरी प्रोजेक्ट से होना शुरू होगा दिसंबर 2023 से, यह कह रहा है। ध्यान देंगे, टिहरी बांध परियोजना जो भाभी नदी पर है, आप कहेंगे सर ये कौन सी नदी आ गई भाभी, भा का मतलब है भागीरथी और भी का मतलब है भिलंगना, भिलंगना और भाभी नदी के सॉरी भिलंगना और भागीरथी नदी के संगम पे टिहरी डैम है, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में। तो टिहरी बांध परियोजना में वर्तमान में 1000 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है और फिर हम यहां पे पंप स्टोरेज प्लांट लगा रहे हैं जिससे दिसंबर 2023 से प्लस 1000 मेगावाट का उत्पादन शुरू हो जाएगा और एक और प्लांट लग रहा है जिससे 400 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है ऑलरेडी, जो वर्तमान में बांध की टिहरी यूनिट की क्षमता 1000 और कोटेश्वर यूनिट की क्षमता 400 मेगावाट। तो 400 मेगावाट और 1000 मेगावाट इक्वल टू 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन ऑलरेडी टिहरी बांध से हो रहा है जिसकी एक शाखा कोटेश्वर यूनिट है। अब इसमें 1000 मेगावाट और जुड़ जाएगा दिसंबर 2023 तक और इस तरीके से यह 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। ये जो 1000 जोड़ने जा रहा है उसका सिस्टम है ये पंप स्टोरेज प्लांट। आप कहेंगे ये क्या होता है सर, तो देखिए पंप स्टोरेज प्लांट ये क्या होता है बेटा, ये हमने बांध बना दिया और बांध का पानी नीचे गिराते हैं और ये पानी टरबाइन घुमाता है, टरबाइन मोटर से जुड़ा होता है, मोटर इलेक्ट्रिसिटी करता है और इसको हम स्टोर करते हैं और फिर ट्रांसफर कर देते हैं ट्रांसफार्मर के जरिए और वो लाइन में चला जाता है। तो जैसे बांध से पानी फोर्स से गिरा वो टरबाइन पे गिरा, टरबाइन मूव की, टरबाइन से जुड़ा क्वाइलिंग जो है मोटर चला, मोटर इलेक्ट्रिफाइड हुआ, बिजली को स्टोर किया, फिर बिजली को ट्रांसफर किया और हमारे आपके घर तक सप्लाई हो गया। यही तरीका है हाइड्रो वाटर में। तो ये जो पानी डैम से निकल गया, ये डैम से निकल गया तो अब नहर में जाएगा, सिंचाई के लिए जाएगा, जहां भी जाए जहां यूज होना है होगा, शहर वहर हर जगह यूज होगा, लेकिन ये वापस नहीं आएगा। अब सवाल क्या, ये देखिए पंप स्टोरेज प्लांट पीएसपी यही तो खेल है। एक नई टेक्नोलॉजी लाया कि हमने यहां पे पंप स्टोरेज प्लांट कर दिया, अब हमने ये पानी यहां से लिया, पंपिंग किया और ये पानी को फेंका और यहां पे फिर टरबाइन मोटर लगा के बिजली बनाया और ये पानी फिर से उसी वाटर रिजर्वेयर में डैम के अंदर पानी में आ गया। तो देखा आपने, तालाब से पानी लिया, उसको फोर्स करके कहीं और फेंका, उससे टरबाइन चलाया और फिर हम उसे फिर से उसी में डाल दिए। तो पानी की किल्लत नहीं होगी, पानी रिफ्रेश होता रहेगा और यह टेक्नोलॉजी समय के साथ जैसे ही सस्ती होगी गांव गांव में लगेगा बिजली। गांव में हम पंपिंग सेट चलाते हैं, गांव में हम बोर्डिंग चलाते हैं, फोर्स होता है। अगर यह हमने निकाल लिया हिसाब किताब, गांव गांव में बिजली उत्पादन होगा। ये बात यहां नहीं लिखी है, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये नई टेक्नोलॉजी है क्या आपके सामने, पंप स्टोरेज प्लांट। तो यही लग रहा है इससे पानी की बर्बादी नहीं होगी, वो पानी बार बार यूज होगा। तो ये आपका शुरू होने जा रहा है, समझ में आई बात। अब जो मैं बताने जा रहा हूं समझिए, ये जो हमारा इंस्टीट्यूशन है THDC, ठीक है ना, THDC ये क्या है। तो देखिए THDC भारत सरकार का है, टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, टेहरी हाइड्रो कॉरपोरेशन, ठीक है, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन THDC। तो THDC जो टेहरी वाला है इसको बहुत प्रोजेक्ट मिल गया, 2030 तक 500 गीगावाट बिजली ग्रिड तक पहुंचाने के उद्देश्य से THDC देश भर में प्रोजेक्ट लगा रहा है। अभी ग्रिड तक 100 मेगावाट पहुंच रहा है बिजली और अरुणाचल प्रदेश के देमेव में भी 1750 मेगावाट का और लोहित बेसल में 1200 मेगावाट का
प्लांट लगा रहा है, क्या वही पंपिंग सिस्टम। केरल में 3 पंप स्टोरेज प्लांट लगा रहा है, तमिलनाडु में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में लगा रहा है। राजस्थान में THDC 10,000 मेगावाट, उत्तर प्रदेश में 2,000 मेगावाट का सोलर पार्क भी बना रहा है। तो आपने देखा पंप स्टोरेज प्लांट बनने से बिजली बनाने के बाद पानी को दोबारा पंप कर झील में छोड़ा जा सकता है, छोड़ा जा सकेगा। तो ये चीजें हैं, कुल मिलाकर के बात समझ में आ गई आपकी, दैट्स ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं।